सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही गाने मेरी बहुत ही खास नॉटी सेक्सी हॉट शॉट गॉर्जियस बॉम्बशेल इप्सिता के गाने हैं एंड इट्स हर बर्थडे टुडे। एंड इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मतलब उनके जन्मदिन के अवसर पर दो गाने उनके रिलीज हो रहे हैं, एक का टीजर है आई थिंक, एंड शी इज लुकिंग एज ऑलवेज यू नो हॉट सेडक्टिव। देखो मेरे लिए तो वो फैमिली जैसी बात है, तो मतलब ये सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इप्सिता बोले कि रील बनाओ, इट्स माय धर्म सिद्ध अधिकार। ही इज माय स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड, या सो वो तो ऑफ कोर्स रील्स तो बनेंगी एंड आई थिंक गणपति जी का बहुत बड़ा हाथ है इनके ऊपर, इनके दो दो गाने रिलीज हो रहे हैं और इट्स अ बर्थडे आल्सो, सो यस। मैम आप क्या बोलना चाहते हैं कि सर लोग आए बधाइयां दे रहे हैं आपको, एक साल का जब हम बर्थडे भी है, मेरा मन तो थोड़ा खराब है कि मैं थोड़ा मतलब बर्थडे आता है तो सोचते ना एक साल और बढ़ गया। एक साल और बढ़ गया, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम साल दर साल और ज्यादा हॉट होती जा रही हो। थैंक यू, बट ये ईशान का वो है, इसके बगल में कोई हॉट नहीं लगता, तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज रॉश इज माई ऑफ स्क्रीन ब्रदर, सो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि उसके साथ मेरा टीजर रिलीज हुआ है बर्थडे के दिन, एंड ऑल्सो द सॉन्ग लाइक ये एक साल मैंने वेट किया, इवन विद द टीम आई फॉट कि आज नहीं होगा रिलीज़, एंड मोमेंट में लाइक 5 मिनट्स पहले रिलीज़ हुआ है ये गाना। तो पारस, यस पारस इज़ इन दिल्ली एंड ही इज़ मिसिंग इज टू मच, तो वील गो लाइव पारस, हाँ तो पारस के साथ विल गो लाइव एंड ही विल ऑल्सो पोस्ट एवरी थिंग राइट नाउ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल्ट, थैंक यू सो मच जिमी एंड लोपा मैम एंड एकता मैम, थैंक यू सो मच, लाइक इट वॉज माई ड्रीम, मतलब मैं इससे बड़ा और क्या बोलूँ, विशाल मिश्रा का गाने में फेस होना कौन नहीं चाहता है, तो सो काश ऐसा होता के बारे में मैं संजीव जी आने के बाद बता रही हूँ बिकॉज वो उनका गाना है रेस्ट। आप लोग क्या हम दोनों को एक हरियाणवी गाने में देखना चाहते हो? यस 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 नॉटी ना, जहाँ थोड़ा शरारती हरियाणवी सॉन्ग, राइट? थोड़ा भोजपुरी मूव्स हो, राइट? और क्यों ना उसमें अरमान मलिक जी को भी कास्ट कर लिया जाए। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, और सबसे बड़ी बात ये विशाल मिश्रा का गाना तो है ही, ये ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल में आया था जो विक्रांत मसीह का है, हाँ तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको जस्टिस कर पाऊँगी भी नहीं, बट आई थिंक यू विल सी आई लाइक हैव डन गुड, लाइक आई डोंट नो बट आई थिंक आई हैव। You always killed it, darling. Thank you. And with your looks, with your beauty. Thank you. So today, like we are gonna celebrate my birthday, and I hope you guys will also enjoy the thing. And thank you, आप लोगों ने मुझे wish किया, इससे बड़ी बात है नहीं। हाँ, इसमें अलग है, मतलब ये एक बंगलों के ऊपर स्टोरी है कि एक बंगलों में लिव इन रिलेशनशिप में, हाँ लिव इन रिलेशनशिप था, तो उससे कैसे एक मोमेंट्स हर जगह पे कैसे यादें रहते हैं, इसी के ऊपर है गाना। थैंक यू सो मच।